आदम यहाँ पे आए अहिल्या बाई होलकर का राजवाड़ा देखने के लिए। और इंदौर की सबसे फेमस चीज जो पूरे इंडिया में मशहूर है, राजमाता अहिल्या बाई होलकर इनका राजवाड़ा जो 200 साल पुराना है यहाँ पे, ये है अहिल्या बाई होलकर का राजवाड़ा। आप देख सकते पीछे वाइट में जो है वो अहिल्या बाई का स्मारक है, और ये पीछे राजवाड़ा का काम चल रहा है। इस प्रकार हम आज आए राजवाड़ा देखने के लिए इंदौर सिटी में। ये है किले की, किले का फ्रंट। अभी यहाँ पे काम चल रहा है किले का, राजवाड़े का। तो आज अभी हम पीछे के साइड से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो उनका राज दरबार है और उसका काम चल रहा है अभी। फिर राजवाड़ा देखने के लिए अर्चना है, गैंग सब एक से बढ़कर एक किले की ओर प्रस्थान करते हुए। ये दोनों तन्नू दी, आप देख सकते हैं यहाँ पे राज दरबार का काम चल रहा है अंदर बहुत सारा। अभी बोलकर अभी आए हम अहिल्या बाई होलकर का राजवाड़ा पीछे की एरिया से। मी तिकडे गेलो मागे पाहायला, आम्ही गेलो तर मध्ये डायरेक्ट काम चालू होते। बापरे किती जुनं आहे ते, जुनं काम चालू मध्ये माहिती का बंद कर देगा, मैं बंद कर देगा 2 बजे। ये है अहिल्या देवी होलकर का राजवाड़ा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत सारी सुंदर कलाकृति यहाँ पे है अवेलेबल। ये अहिल्या देवी होलकर उनका बने हुए चीजें, उनमें वीणाधार मूर्ति। हाँ रे, मी बघितलं ना त्या दिवशी रेकॉर्डिंग केली नाही ना, त्यांनी खायला म्हणजे बनवलंय है सन्योता देवी होलकर। होलकर देवी होटा इधर ओम नमः शिवाय। ये है जय मल्हार मार्तंड पूजन तरी भंडारा अभिषेक। ये है इनका, इधर है गार्डन, ये भाई गार्डन दे दिया, ये गार्डन है फिर बंदे इधर। हाँ इधर फिर फिर रानी दी दादा पुड़े बड़ा इतने नहीं। ये महिला अहिल्या देवी की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। जय मल्हार बाय महारानी उषा देवी। इधर
ये हिंदी में बनाया है, महारानी उषा देवी ने किया। उषा देवी। ये है धनगरों का राजवाड़ा, जिसमें आप देख सकते हैं सब चीज़ें, पुरानी पुरानी चीज़ें रखी गई है, जो अहिल्या देवी होलकर और मल्लारा होलकर यूज़ करते थे, वो पूजा के साधन सामग्री उनके हाथों से बनाए हुए सब चीज़ें यहाँ पे है। गौतम बुद्ध जी मूर्ति पर गौतम बुद्ध अहिल्या भाई का तीन हिच माला सिंह गौतम बुद्ध। अभी हम आए हैं यहाँ पे जो होलकर शाम गैलरी है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो अहिल्या भाई होलकर है उन्होंने जो बनाई हुई चीज़ें है उसको देखने के लिए, और उनके काल में जो मूर्तियाँ थी बहुत सारी उन मूर्तियों को रखने के लिए भी हम देखने के लिए इधर आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उनके ज़माने में कैसे अहिल्या देवी होलकर की किस्से, बहुत सारी पुरानी मूर्ति है। ये है आर्ट्स गैलरी, यहाँ पे दिखाया है कि मुगल आक्रमणों दाहों ने कैसे 1305 में खिलजी द्वारा उसको प्राप्त किया था, बाद में 1403-1 में सुल्तान मुगल सुल्तान थे, बाद में अकबर मालवा के राज्य जदयगढ़ में उज्जैन के पास भी 10 महल थे, मांडू के 16 महल थे, इंद्रपुर गांव उज्जैन सरकार के, तो इंदौर उस इस प्रकार मुगल साम्राज्य के हिस्से के रूप में सुबहाधीन था। पहली बार जमींदार रामनंदलाल चौधरी का विकास किया गया, इंदौर का मतलब बड़ा क्योंकि ऐसे, फिर उसके बाद आया हमारा इंदौर आगमन, 200 वर्ष पूर्व मुगलों का दिन था, फिर शक्ति कमज़ोर हुई तो मराठों ने उसको, फिर 1703 में मल्लारा होलकर ने पेशवा जनरल चौथे तैनात किया, तो 1739 तक मल्लारा होलकर इंदौर के शासक बने रहे। ये उनके द्वारा बनाई यूज़ की हुई चीज़ें, बंधु के जो होलकर खानदान के लोग जिस
अहिल्याबाई होलकर उनके दौरान जो यूज़ की हुई तलवार और ढाल आप याद दे सकते हैं, पानी की टंकी नहीं, पानी ज्वारी गेहूँ के भंडार रखने के लिए ये उन्होंने यूज़ की हुई शतरंजी 19 है ये के द्वारा यूज़ की हुई पत्थर आप देख सकते हैं, और उन्होंने के द्वारा ये जो रचा हुआ बुक पैस मैगजीन तो पकड़ के लिया था। ये लगा होकर के ज़माने में यूज़ किया हुआ रानी अहिल्याबाई होलकर यूज़ करी थी। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो डोली देख रहे हैं आप, ये छोटी सी डोली, ये अहिल्याबाई होलकर की जब शादी हुई थी तब उनको यहाँ पे लाने के लिए यूज़ की गई थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हम आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी शी के तौर पे, और ये बुनकरों द्वारा लगाया गया जाल। बस पर आज हम यहाँ पे संग्रहालय देख रहे अहिल्याबाई होलकर उनका नहीं आज हम मल्ला राव होलकर की जो बहू थी अहिल्याबाई होलकर इनकी हिस्ट्री यहाँ पे आज हमने देखी, जो आज हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सब हिस्ट्री है जो चल तलवार इंदी पाप बना था बोल तू ये है मोटा बॉम्ब से तोप से बड़ा मोटा है तो मोटा हाँ गोटे छोटे गोला 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 छोटा गोला लगा था।
ये है कृष्णा जी का उनका छतरी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज अभी हम यहाँ पे आए हैं जो अहिल्या बाई यशवंतराव होलकर उन्होंने जो छतरी बनाई हुई है, जो भी इनके वंशज थे उन वंशज के स्मरणार्थ जो छतरी है वो सब यहाँ पे आपको नजर आएगी। आज हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मल्लाराव होलकर है उनकी जो छतरी है उसको जिन पूर्वजों ने इसको बनाया है सब। अभी आए हम यहाँ पे नेहरू केंद्र लालबाग, जहाँ पे जो तुकोजीराव द्वितीय था उनके शासन में ये सब कुछ बनाया गया था, उनका राजवाड़ा तुकोजीराव होलकर द्वितीय। तो अभी हम गेट से एंट्री कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर एरिया है। तो किला तो है। नहीं राजवाड़ा है तो किला नहीं। हाँ तो ये है तो कुजरा होलकर द्वितीय उनका राजवाड़ा, इसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड मोनूमेंट की तौर पर प्रोटेक्ट करके रखा है। अभी हम टिकट घर के 10 रुपये टिकट लेके अंदर जाना है, वहाँ पे हम देखेंगे ये क्या क्या है और क्या नहीं है। तो मेरी दो टिकट दो है भैया, हेलो दो टिकट दो। मोबाइल जमा करना है। ठीक है ठीक है। ये है हमारा यहाँ पे है शिव जी का मंदिर बनाया हुआ है जो पुराने जमाने में था, मल्लाराव होलकर उनके जमाने से बनाया हुआ ये टेंपल है, जहाँ पे मल्लाराव होलकर अपने तुकोजीराव होलकर जहाँ पे पूजा करते थे, इसका भी काम निर्माणाधीन है। बहुत अच्छा प्लेस है, आप देख सकते हैं तुकोजीराव होलकर जो पैलेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग देखने आते हैं। ये देखिए, हाँ हाँ मोबाइल हाँ ना बाबा, मैं चोरूंगी तो बराबर ग्रांति।
ये नहीं वो केंद्र साढ़े तीन माँ ये है राजवाड़ा। तो कुजीरो होलकर ने बनाया हुआ बहुत बड़ा राजवाड़ा है, और जो हमने राजवाड़ा देखा है उससे भी बड़ा राजवाड़ा है शायद ये तो कुजीरो होलकर का, जो शूर सेनापति थे। हाँ ये उनकी पहचान भाई। जय मल्लार, आज हम आए हैं इंदौर के मल्लार महातर मंदिर में। तो आज हम मल्लार का दर्शन ले जा रहे हैं, और आज संडे है जो विशेष बार है मल्लार का। तो ये है हमारा मल्लारी मातरण मंदिर, जो परिसर आप देख सकते हैं, जिनका निर्माण श्रीमंत सरकार श्री राव दादा साहेब होलकर साहेब ने किया है। उनकी वो आज्ञा थी सरदार उदय सिंह होलकर की। तो ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से बनाया है मंदिर। हम प्रसाद लेंगे यहाँ से। आचा ना चाचा, आपका नाम क्या है? मनोज। कब से बेच रहे आप नारियल यहाँ पे? नारियल कब से बेच रहे? कितने साल हुए? दस साल हो गए। अरे वाह, क्या बात है, दस साल से यही ऐसा ही परिसर है हमारा। वाह वाह, चलो बहुत बढ़िया। हाँ पुराना मंदिर है ना भाई, बहुत पुराना, जो होलकर परिवार ने बनाया वो मंदिर है। तो और भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लेने वाले यहाँ से। इस प्रकार हमने नारियल अगरबत्ती और भंडारा ले लिया है। कितने पैसे हुए चाचा? पचास। ये तो पन्ना सौ रुपये नोट। कितने का? तो ये देखो बहुत पुराने जमाने की पानी की टंकी रखी है यहाँ पे। खैर मंदिर का बहुत खूबसूरत सा परिसर आप देख सकते हैं, अभी भी इस मंदिर का निर्माण कार्य बहुत सारा बाकी है, जिससे ये है हमारा पूरा सा मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है मंदिर और ये है हमारी समाधि जो लोगों को बनाई है यहाँ पे। अभी हम जाने वाले हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये तीन तीन छः सात सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, जो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा ऐसा मंदिर है। हाई भंडार जय मल्लार। वो है ना अभी तीन करे कुछ।